परसेंटेज चैप्टर अपना भी परसेंटेज प्रतिशत बस भी आवाज ना करे जी हूँ दिखाई दे रहे अभी परसेंटेज प्रतिशत इंग्लिश मीडियम वाले किन्ने है बस ठीक नहीं स्टेटमेंट बोल देंगे नाल इंग्लिश भी बोल देंगे हाँ जी परसेंटेज का सिंबल की है आ परसेंटेज का सिंबल है ठीक है क्वेश्चन किस तरह आते हैं देखो तुसी बोर्ड मास रूल सुने ना सिंपलीफिकेशन का वह भी अपना चैप्टर है बोर्ड मास विच ऑफ हुंदा है बोर्ड मास बी मतलब ब्रैकेट ओ मतलब ऑफ भी हुंदा है एक चीज होर हुंदी है ऑर्डर ऑफ पावर सुनिया कि नहीं सुनिया बहुत घट यूज हुंदा है ऑर्डर ऑफ पावर आप ज्यादातर ऑफ बोल देने हैं ऑफ मतलब हुंदा है पंजाबी च दा या हिंदी च का बोलते हैं ठीक है इन्ना मतलब हुंदा है गुना का निशान ठीक है देखो जिवें क्वेश्चन है कहिंदे है 5000 का 18% पता करो फाइंड दी 18% ऑफ 5000 फाइंड दी 18% ऑफ 5000 इंग्लिश इस तरह स्टेटमेंट होगी चार ऑप्शन तुहाडे कोल होणगे जे कहने तो ऑफ का मतलब की होंगे गुणा इन सोलव करना परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय कितना बन गया 900 क्लियर है बस इन की आप मतलब खोलिया गुणा परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 फर्स्ट टाइप है सिंपल बेसिक नहीं समझ लगी तो बोलो ठीक है और इन स्टेटमेंट के बदलोंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन किस तरह आता है ये तो सीधा लिखता इन्होंने स्टेटमेंट किस तरह क्वेश्चन आता है क्वेश्चन लिखो किसी स्कूल विच 1500 इंग्लिश भी बोल देना जो इंग्लिश हले है किसी स्कूल विच 1500 विद्यार्थी हैं इन आ स्कूल देर आर 1500 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच उन्होंने 40% लड़कियां हैं आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स देख लिया भी उन्होंने 40% गर्ल्स हैं फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज तो लड़कियां की संख्या पता करो स्टेटमेंट लिख ली कि नहीं लिख ली भी इन अ स्कूल देर आर 1500 स्टूडेंट्स 1500 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स यही बोलिया सीगा फाइंड दी आरती कौन है लास्ट डिग्री फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज हाँ जी कितना बन जूगा 900 बनया कि नहीं बनया भी 1500 का 40% देखो कोई भी चीज़ है ध्यान दिया जे आपदे आप 100% है जेकर कहते हैं 40% गर्ल्स है तो ऑटोमैटिक 60% की हो गए बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ किन्ने होंगे 60% कितना 1500 का 60% कितना बन गया 900 और तुसी इस तरह भी कर सकते हो पहला 1500 का 40% कढोगे जो आऊगा माइनस कर दोगे तो भी बन जूगा ठीक है 1500 का 40% सोलो करोगे कितना बन गया 600 ये की है गर्ल्स है तो बॉयज़ किन्ने होंगे टोटल स्टूडेंट किन्ने हैं 1500 माइनस 600 900 पता चली जाता कि नहीं चली जाता भी जे कहने तो माइक यूज कर लेने एक होर आप है समय लगी जी है स्पीड स्लो है कि फास्ट है दस दो बस ठीक है हाँ जी बोलो हाँ जी ग्रीन बोर्ड वरत लिए ओ यार मिट्टी मिट्टी हो जाता है अच्छा दिखता नहीं अखर वड्डे कर देने किवें नाले तू तो ऐनक लाई बैठा है थोड़े लैटर कैपिटल कर देने लिखो भी पहला पंजाबी बाद च इंग्लिश बोल देने किसी संख्या का 20%
300 है, 20% ऑफ अ नंबर इज 300, फाइंड दैट नंबर, तो नंबर पता करो, तो संख्या पता करो, किसे संख्या दा 20% 300 है, ताओ संख्या पता करो, हों दिखाई दे रहे हैं? हों ठीक है लेटर? ਜਿਵੇਂ ਕਾ ਬਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਲ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖ ਲੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈ ਜੈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ 20% ਮਤਲਬ 20/100 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 300 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਿਆ ਦੇ ਦਰਗੇ रेसीप्रोकल हो जाऊ इक्वल तो परले पासे जाके किन्ना बन जूगा 100/20 इनू कट दो जीरो नू आ जीरो ना कट दो दो ते कटिया पांच किन्ना बन गया 1500 चाहे जीरो आ जिहड़ी आ आपस गुणा है आ आपस दे विच डिवाइड है चाहे इहदे नाल कट दो 20 चाहे 100 ना कट दो आंसर सेम बनूगा तां उह नंबर किन्ना आ गया 1500 आ गया लग गया पता कि नहीं लग्या भी एक क्वेश्चन दे नाल होर लेदे नाल थोड़ा जिहा चेंज करदे इहनू ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ 420 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 25% ਪਤਾ ਕਰੋ मतलब जो तुहाडा नंबर आऊगा ना इंदा गां फिर 25% 15% ऑफ अ नंबर इज 420 रुपीस रुपीस लिखना लिख लो नहीं तो छड़ सकते हो आपां दा नंबर पता करना है फाइंड दी 25% ऑफ दैट नंबर इसे तरह ही है पहला स्टेप दित्ता की है उस तो बाद जो पुछा हुंदा 25% इंदा अगों नाल देखो करके बनया कि नहीं बनया भी ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ 700 ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸੋਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 70 ਕਿਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ 15% ਵਾਲਾ 15/100 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ 420 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ 15% ਉਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 100/15 ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 25% ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇ ਜੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 5 5 25 ਆਹ 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ 14 3 42 टेबल याद कर लो मैं पहले दिन तो तुम्हें कह रहा कैलकुलेशन सौखी हो जाएगी 14 5 70 नाल एक 0 14 नूं 5 ना कीती 0 नाल होए क्लीयर है भी हाँ जी कितों पूछना वेखो इत्थे दस देखते हैं कहिंदे किसे संख्या दा 15% जिवें जिवें कह रहे हो उवें उवें लिखी जांदे आपां आ 15% जिहड़ा रेसीप्रोकल हो जू इधर मल्टीप्लाई पिया उधर की हो जूगा चेंज हो जूगा ना 100/15 उस संख्या का अगों 25% इनका गुणा कर देना 25% जे कला नंबर ही पूछे संख्या पता करो जिवें च कहिंदे संख्या पता करो तो आप इतों तक ही सोल्व करते सीगे इंदे च नाल जिन्ने परसेंट क्या वो नाल लगा देना 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 5 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 3 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 34 42 ਨਾਲ 0 ਆਵੇਂ ਆ 0 ਆਵੇਂ 14 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 70 ਤਾਂ
की आ गई संख्या 700 बन गई। लग गया पता नहीं लग गया। नेक्स्ट लिख दे हैं। लिखो किसे संख्या दा के बदलिए टाइप के नाल दी है बदल दिए। लिखो फिर एक ही काट दो इन्हें फिर लिखो लिखो 15,000 दा 20% दा 3/5 हिस्सा पता करो। हाँ जी मैं इंग्लिश ही बोल देना। फाइंड द 20% ऑफ 3/5 ऑफ 15,000। इन्हू 3/5 बोल दिया। नाल नाल शब्द ऑफ है ठीक है। वट इज द 20% ऑफ 3/5 ऑफ 15,000। जिवें जिवें कह रहे हैं उवें उवें लिख देना ठीक हो। 1500 हाँ जी किवें अच्छा आंसर बोल रहे हो। चलो कोई नहीं वेखते हैं। 15,000 का 20% का 3/5 3/5 में 3/5 इस तरह लिखना। आंसर में ना बोलिया करो जो आफ्टर जो पुछूंगा उदो दसना ठीक है। किन्ना बन गया भी इन कट देना। आ 0 0 कटती आ 0 0 कटती आ 5 इंद्र मैं क्या इंद्र क्या इंद्र कटिया जाता पै 5 3 15 0 कि 2 कि बन गया 2 0 तो उवें 3 2 6 6 3 18 इन्ना ही बोलिया 1800 लग गया पता नहीं लग्या। परसेंट तो उवें खोल लेना इतने दा का जेकर इस तरह आ जाए ना 3/5 2/5 वह फ्रैक्शन लिखना है जिड़ी चीज़ पहला की उपर रख लेनी 3/5 3/5 इस तरह रखना है। लग गया पता नहीं लग्या। एक क्वेश्चन इन्हें नाल दा लिखो फिर आप टाइप बदलते हैं बस भी लिखो 2500 का 18% का 2/5 हिस्सा पता करो 2/5 इन 2/5 बोलेंगे। वट इज़ द 18% ऑफ 2/5 ऑफ 2500। वट इज़ द 18% ऑफ 2/5 ऑफ 2500। हाँ जी 2/5 देखते हैं कि नहीं बनया कि बनता है 180 18% बस भी आवाज ना करो 5 से कटिया 5 5 2 10 गुणा 18 180 या 18 5 90 2 180 लग गया पता नहीं लग गया भी करिए चेंज टाइप। लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ जी बस भी बस बहुत है कि ज़्यादा होगी परसेंटेज हाँ जी लिखो भी सोनिया अपनी आमदन का अपनी महीनेवार इंग्लिश भी बोल देना महीनेवार आमदन का 15% हिस्सा
किताबां ते खर्च करती है, अते 10% हिस्सा शॉपिंग नू की बोलांगे खरीददारी, 10% हिस्सा खरीददारी ते खर्च करती है, अते 5000 रुपया बचा लेंदी है। ता उसकी सालाना आमदन पता करो। स्टेटमेंट ध्यान नाल लिखा जी, इंग्लिश ही बोल देना। सोनिया स्पेंड 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बुक्स एंड 10% ऑन शॉपिंग। आफ्टर दैट सी एंड आफ्टर दैट शी सेव 15,000। सेव मतलब बचा लेंदी है, सेविंग है। फाइंड हिज एनुअल इनकम ध्यान रखिया जे, इत्थे महीनेवार शब्द क्या, इत्थे सालाना तन क्या है। खर्च जेड़ा आपदी मंथली इनकम च करदी पई है, फाइंड आउट की करना होंदी, एनुअल इनकम पुछी है। देखो किवें करोगे, आपदे कोलों क्वेश्चन बनाइए ना, ठीक है। जे फ्रैक्शन च आवे फ्रैक्शन छड्ड देना। हाजी स्टेटमेंट समय लग गई भी, देखो क्वेश्चन ध्यान दिया जे। 15% हिस्सा बुक्स से खर्च किया, 10% शॉपिंग से, टोटल कितना खर्च लिया उन्हें, 25% उन्हें खर्च लिया। पच्ची परसेंट खर्चा हो गया सारा कुल मिला के। देखो उस तो बाद कहते 5000 रुपया बचा लें, 5000 की है सेविंग है, 5000 सेविंग है। देखो तुम दस स्टार्टिंग दे कोई भी वैल्यू आपके आप 100% है, मतलब उनकी इनकम कोई 100% है, उनके उन्हें 25% खर्च लिया, बाकी कितना रह गया। आ स्टैप ध्यान रखा जी भी, जे 100 रुपया उनकी इनकम है, 100% है, तो 25% खर्च लिया, रह कि गया 75% सेविंग। आप कहने वो कि कह रहे सेविंग कि है 5000, दोनों की है इको गल कह रहे, इक्वल कर देना। आ भी सेविंग है, आ भी सेविंग है, क्योंकि जेकर 25% खर्चा तो बाकी की होगा 75% वह सेविंग है, क्योंकि होर खर्चा दिता नहीं होया। आ 75% ध्यान दिया जी, उधर यह कि बन जूगा, इतने 75/100 उधर यह कि होजूगा 100/75। ये की आ गई उनकी कंप्लीट मंथली इनकम, सोलो कर दें हले ध्यान दिया जी, कंप्लीट मंथली इनकम आ गई। जे उन्हें मंथली इतने पूछी तो इन्हें सोलो कर दो कि बनता है, बट उन्हें मंथली नहीं पूछी, तो एनुअल पूछी है, एनुअल पूछी तो इतने कर देना 12 नाल गुणा कर देना, मतलब साल की पूछी है 12 महीनों की, एक महीने की आई है, क्लीयर है। इनू बाद चो गुणा 12 करने, बाद चो कर ले, इनू सोलो कर लो पहला, 25 दी है 75, 25 चौका 100, 3 इन नहीं ना कटिया जाता पाया, कि बन गया गुणा की 20,000/3, ये एक महीने की बन गई। जे 12 महीने की पूछिए 12 ना गुणा कर दिए कि बन गया, 3 तो कटिया 4, 20 चौका 80,000 रुपया, 80,000 रुपये की बन गई उनकी सालाना इनकम बन गई। लग्या पता नहीं लग्या भी, जो भी खर्चे आ रहे हैं, बस भी जिन्हें भी खर्चे आ रहे हैं सारे प्लस कर देने हैं, वो 100 के विचों घटा देने, बाकी की रह जाएंगे उनकी सेविंग, वो अपन सेविंग दी इक्वल करके टोटल इनकम आ जूगी मंथली। जे मंथली पूछी है, एनुअल पूछी है, ध्यान रखना शब्दों का ध्यान रखना, जेकर मंथली पूछी है तो मंथली आंसर आजगा, इतने छड़ देना 20,000/3, जे सालाना पूछी है तो 12 ना मल्टीप्लाई। क्लीयर है, लिखो क्वेश्चन एक नाल दा, लिखो मोहन अपनी मंथली इनकम दा 16% हिस्सा पेट्रोल ते खर्चदा है, अते
7% हिस्सा किताबां ते अते होर 7% हिस्सा भोजन ते खर्चदा है। अते 1200 रुपया बचा लेंदा है। उसकी मंथली इनकम पता करो। मोहन स्पेंड 16% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन पेट्रोल एंड 7% ऑन बुक्स एंड 7% ऑन फूड। आफ्टर दैट ही सेव 1200 रुपीज। फाइंड हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम ही पूछी है। मोहन अपनी मंथली इनकम का 16% हिस्सा पेट्रोल से खर्च करता है, 7% हिस्सा किताबा 7% हिस्सा भोजन से, 1200 रुपया बचा लेंदा, तो उसकी मंथली इनकम पता करो। टोटल कितना खर्च हो गया? 16 ते 7 23 ते 7 30%। 70% की होगी सेविंग है। उधर सेविंग कितनी कह रहे हैं? 1200 रुपये सेविंग है, ठीक है। आ 70% उधर कि हो जूगा? इतने 70/100 आ, उधर अगे 100/70। ये आपस के गुणा है, आपस नहीं कटनिया जीरो, ये आपस के गुणा है। कई नोटबुक तो आ सामने कट्टी हुई है, दो जीरो, ये गुणा के है। इनका मतलब सारे डिवाइड है 70। आ 0 0 कट कि बन गया? 12000 डिवाइड बाय 7 आ उसकी इनकम बन गई। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं, ऑप्शन पर डिपेंड है। जे डेसीमल दे डिवाइड करता है, जे फ्रैक्शन पिया तो इस तरह फ्रैक्शन लिखा रहा है, या सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है। सीधा क्वेश्चन मैं नहीं कराया, वो सिंपल ही है। जिमें लिख लो, राजू दी मंथली इनकम 60000 है, वह अपनी आमदन या इनकम का 20% हिस्सा पेट्रोल ते खर्चदा है, 5% हिस्सा किताबा ते खर्चदा है। पेट्रोल ते ज़्यादा खर्चदा है, किताबा ते घट खर्चदा है, गलत गल है ना। पेट्रोल एक तो हैगा महंगा, पेट्रोल महंगा होया पैना ता करके, ता उसकी सालाना बचत पता करो, एनुअल सेविंग। एनुअल सेविंग ठीक है। आ जी है इतने मंथली शब्द क्या होया, इतने सालाना शब्द क्या होया? कैलकुलेशन है थोड़ी जी करो। हाँ जी, मंथली इनकम आपदे ते लाके चलो 60000 है, आपदे ते लाके चलो, मान लो मंथली इनकम 60000 है, 60000 हो जूगी नहीं हो जूगी? बस भी एक मिनट स्टॉप करो। हाँ जी, 60000 मंथली इनकम है, बहुत है? मैं पूछी नहीं, बहुत है क्या? ज्यादा है? देखो टोटल 25% जेड़ा खर्चा है, ठीक है, तो बाकी की होगी बचत होगी ना, किन्नी बचत होगी? तो वेखो इनका 75% सीधा ही, इक्वल नहीं रखना तुम इधर आगे 100/75 कर रहे हैं, या 25% कट के फिर 12 नाल गुणा, वो तो खर्चा हो गया। आप बचत वेखी कि जेकर आ खर्चा है तो आ बचत होगी, ठीक है। मंथली इनकम कि 60000, 60000 इन्नी बचत है, आ सोलो करो, 2 0 2 0 कट्टी गई, आ 2 0 उमें 75 6 नाल गुणा की, 6 × 30 = 42 × 3 = 45 45000 रुपया की बचत है एक महीने की,
तो 12 महीने की किन्नी होगी 12 ना मल्टीप्लाई कर दो कि बन जू 5,40,000 लग गया पता कि नहीं लग्या कोई इक्वल नहीं करना सीगा इसका ही करना ही मंथली इनकम इन गिवन है जोड़ा आप पहला क्वेश्चन करके आए थे उन आप बच्चा दिती सी मंथली इनकम क्ढी सी इक्वल रखा सीगा इन सीधी इन मल्टीप्लाई होगी लग गया पता ही नहीं लग्या इनू तुसी इस तरह भी कर सकते ध्यान दिया जे भी और तुसी किवें कर सकते 60,000 का पहला खर्चा वेख लो कि बन गया 25% कि बन गया 25 115,000 एक खर्चा है कोई इनू ही 12 ना गुणा करी जाता वो नहीं करना ठीक है खर्चा माइनस करोगे बाकी बचत है 45,000 एक महीने की 12 महीने की 5,40,000 क्लीयर होया कि नहीं होया क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन होर लिखो ये नाल दा मैं कहता सौखा तां चढ़ा दी पहला टाइप आही करानी सी लिखो एक क्वेश्चन ये नाल दा सोनू दी बस भी दोबारा नहीं बोलना मैं सोनू दी मंथली इनकम मंथली तनखा या महीनेवार तनखा सोनू दी मंथली इनकम पंताली हजार है अते ओहो पंद्रह परसेंट हिस्सा भोजन ते खर्च करता है आठ परसेंट हिस्सा पेट्रोल ते अते 7% हिस्सा किताबां ते खर्च करता है तो उसकी मंथली सेविंग पता करनी है आपां महीने बार बचत किन्नी आंदी बोलो भी टोटल खर्चा कि 15, 8, 23, 7, 30% आ सारे खर्चे प्लस कर देने 30% बट अपन खर्चा नहीं सेविंग पूछी है 30% जेकर खर्चा है तो सेविंग कितनी होगी 70% सेविंग आ चीज़ समझ लगी होती कि नहीं लगी होती जी आप रेसिप्रोकल लिखते हैं ठीक है कोई भी चीज़ 100% है 30% खर्चा 70% सेविंग है कि मंथली इनकम कि 45,000 का 70% कि बन गया आ 2 0 आवें 45 सत्त ना की 7 × 35 = 3 × 7 = 28 = 31 31,500 उन्हें मंथली ही पूछी है तो मंथली जे सालाना पूछिए तो गुणा 12 क्लीयर हो गई टाइप कि नहीं हुई भी नैक्सट लिखो राजू दे अंक मोहन नालों 25% ज़्यादा हैं राजू दे अंक मोहन नालों 25% ज़्यादा हैं तां मोहन दे अंक राजू नालों किन्ने परसेंट घट हैं राजू दे अंक अंक मतलब मार्क्स मोहन नालों 25% ज़्यादा हैं या वध हैं तां मोहन दे अंक मार्क्स राजू नालों किन्ने परसेंट घट हैं देखो ऑप्शन देना तुहानू मैं 25% 20% 80% 75% इंग्लिश बोल दिए कि लिख लिया बोलो
25% ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 25% ਆਊਗਾ? ਤੇ 20% ਵਾਲੇ? 20% ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ? 20% ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ? ਵੀ ਲੱਪਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ? ਹੋਰ 80% ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ। 80% 75% ਵਾਲੇ? 75% ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ 20% ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਮੋਹਨ ਨਾਲੋਂ 90% ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਟ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 100 ਲੈਣਾ, 200, 300, 500, 1000, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 100। ਰਾਜੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਕ ਮੋਹਨ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੋਹਨ ਤੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 125। ਵੇਖੋ ਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਕ ਮੋਹਨ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅੰਕ ਰਾਜੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ ਰਾਜੂ ਨਾਲੋਂ? 25 ਘੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਣਾ 100, 25 × 25 = 125, 5 'ਤੇ ਘੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 5 × 2 = 10, 0, 20%। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਊ, ਵਿਦਆਊਟ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲਈ, 150 ਲੈ ਲਈ, 200 ਲੈ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਘੱਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੈਸ ਵਰਡ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਰ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਣਾ 100, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟ ਹੈ 100 'ਚ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਣਾ 100, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਵਰਡ ਪਾਇਆ ਔਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 25 ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, 25 ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 100 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 25, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 25/125 × 100, ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, 25 × 25 = 125, 5 'ਤੇ ਘੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 20%। ਆਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਣਾ 100 ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਘੱਟ ਉੱਪਰ 25 ਉਵੇਂ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਵਰਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 125 ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ 25 ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਹ 500 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 20%। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਵਰ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ
इनक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच यूज दैट देर इज नो चेंज इन अवर एक्सपेंडिचर, तां किन्नी वरतों घटाई जाए ता जो खर्चा पहले च नहीं रहे। देखो पेट्रोल दियां कीमतां विच 25% वाधा होया, पहला स्टेटमेंट लिख लो पूरी, तां किन्नी वरतों घट कीती जाए ता जो खर्चा उही रहे जां खर्चे विच कोई बदलाव ना आवे। पेट्रोल दियां कीमतां विच 25% वाधा होया, कहिंदे किन्नी वरतों घट कीती जाए भी खर्चा उही रहे, खर्चे दे विच कोई बदलाव ना आवे। देखो ओ उस तरह ही है जिवें मोहन ते राजू सीगा, दो जिन्हां च कंपैरिजन है, इहदे विच वी की है, एक पासे पेट्रोल दियां कीमतां हो रही हैं, एक पासे आपां आपदी यूजिंग घटा रहे हैं। जेकर राजू दे मोहन नालों वधदा तां मोहन दे किन्ने घट है, जेकर पेट्रोल वधदा पिया तां यूजिंग किन्नी घट कीती जाए, एक पासे वध एक पासे घट है, उही चीज़ लगानी है आपां। किन्ना बन जूगा 25%, कहिंदे हाइक हो गए रेट, वध गए है, इनक्रीज़ हो गए है, तां उही चीज़ लगावांगे 25/125×100, आही आंसर बनूगा सेम। मतलब की है, क्वेश्चन इस तरह भी बदल के आ सकता है, दो व्यक्तियों के विच कंपैरिजन इस तरह भी आ सकता है, दो चीज़ों के विच कंपैरिजन इस तरह भी आ सकता है, एक पासे पेट्रोल का रेट वधी जांदा, एक पासे आप आपकी यूजिंग घट कर रहे हैं, किन्नी घट कर रहे हैं 20%, जेकर पेट्रोल 25% वधदा पिया, लग गया पता कि नहीं लग्या, ठीक है। हम स्टेटमेंट बदलते हैं, देखो लिखो क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रिकटेंगल, आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ रिकटेंगल डिक्रीज बाय 40%, आयत की लंबाई 40% घटाई जाती है, आयत की लंबाई 40% घट की जाए, द बोले लेंथ इज डिक्रीज बाय 40%, आयत की लंबाई 40%, आयत रिकटेंगल होंगी, आ चीज़ होंगी रिकटेंगल, ठीक है, जिंदी आमो सामने साइड इक्वल होंगी है, एक लेंथ होंगी एक ब्रेथ होंगी है, ठीक है, आयत की लंबाई 40% घटाई जाए तो चौड़ाई किन्नी वधाई जाए, तो चौड़ाई किन्नी वध कीती जाए, ता जो इंग्लिश भी बोलते हैं, ता जो खेत्रफल विच कोई बदलाव ना आए। लेंथ ऑफ रिकटेंगल इज डिक्रीज बाय 40%, दैन हाउ मच ब्रैथ इनक्रीज, नो चेंज इन एरिया, एरिया की गल कर रहे हैं, एरिया दे विच कोई चेंज ना आए, चीज ही लगानी है, वेखो फार्मूला उही है, स्टेटमेंट दे विच तुसी वेखना गिवन की है, बस आपां नूं सिर्फ आ दित्ता होया 40% डिक्रीज कीती गई है लेंथ ऑफ रिकटेंगल, आयत दी लंबाई, उही चीज लगानी है, वेखो की बनूगा, बनया कि नहीं बनया, फ्रैक्शन चाहे फ्रैक्शन छड्ड देना, आंसर फ्रैक्शन च आऊगा, 200/3, ठीक है, 200/3 बनया कि नहीं बनया, भी 40 उत्ते उवें थले की है डिक्रीज है, घटाई जाए, सोचो 40 लिख देना घटा के, किन्ना बनया 40/60×100, 0 0 दो ते कटिया 2 2 ते कटिया 3, आ आपस च गुणा 200, आ फ्रैक्शन च उवें 200/3%, क्लीयर है। इस तरह ऑप्शन जे तुहानू उत्थे नहीं पई तां फिर की करोगे, चेंज करके लिखिया होगा 66/2/3%, मिक्सड फ्रैक्शन बदलनी आती कि नहीं आती, भी फ्रैक्शन तो मिक्सड फ्रैक्शन किवें चाहिए, छियाठ 200/3% जेकर ऑप्शन नहीं पई तो फिर 66/2/3 की मतलब है, आ इन्दे नाल गुणा करते हैं, 66 3 कि 198, 198 2 आ प्लस हुंदा हुंदा, ठीक है, आ वेखो किस तरह 200/3, 200 3 ते डिवाइड कर दो कितना बन गया, 6 3 18, 2 20 6 3 18, 2 पॉइंट नहीं लगाना, फ्रैक्शन च ही रहना, आप जिहड़ा डिवाइड दे विच 3 है उवें ही
जो बाकी बचे रिमाइंडर उपर आ जो भागफल है जिन्होंने क्वेश्चन बोलते हैं आप वो अगे लग जूगा नाल परसेंटेज लग गया पता नहीं लग गया मिक्सड फ्रैक्शन च क्लीयर है भी पता लग गया इस तरह ऑप्शन पई है इस तरह ऑप्शन पई है होर किस तरह ऑप्शन हो सकती है हाँ जी और किवें हो सकती है 66.66% अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट मतलब ये खत्म नहीं हो रहा ना चल रहा है तो लगभग 66.6 किस तरह इनू अगह चेंज कर सकते 0.618 20 36 18 20 चली जाता ना इस तरह चली जाता 66.66 अप्रोक्सीमेट इन लिखा होगा लगभग जे नहीं भी लिखा ऑप्शन होर नहीं हैगी फिर नेड़े ऑप्शन आही है क्लीयर है समय लगी है कि लगी है भी अज घट आए है अज घट जी ने है ना मीह पै गया चढ़ गए की हो गया हाँ जी नेक्स्ट लिखा जे भी कितना टाइम हो गया 400 हाँ जी लिखो दालों दी कीमतों विच प्राइस पल्सिस पल्सिस मतलब दालों या कुछ वर्ड कुछ और लिख लो पल्सिस मीन होंगे दालों पता है दालों दी कीमतों विच 50% वाधा होया तो किन्नी वरतों घट करिए खर्चे विच कोई बदलाव ना आवे दालों दी कीमतों विच 50% वाधा होया दालां नहीं लिखनियां तो गोल्ड लिख लो गोल्ड जो मर्जी लिख लो कोई मर्जी आर्टिकल लिख लो गोल्ड मतलब सोने दी कीमतों में 50% वाधा होया तो किन्नी वरतों घट करिए खर्चे विच कोई बदलाव ना आवे घट करोगे वरतोगे नहीं करोगे गोल्ड दबी जाने 60,000 से पहुँच गया कितना होया पिया इन्हां नूं पता होना फर्स्ट रो वाले गोल्ड का रेट पता नहीं चंगी गल है पाना छड़ दो आपे घट जूगा चलो क्वेश्चन ते मुड़े किन्ना आंदा भी 100/3 पता लग्या कि नहीं लग्या भी स्टेटमेंट समय लग गई इन्दे नाल की लिखा 50/150 × 100 किन्ना आ गया 0 0 करती 5 3 15 100/3 या 33.33% या 33.3% किसी भी तरह ऑप्शन आ सकती है हाँ जी आ लिखा हो आ चीज दसूगी की कहते पे वो आप इन्नी वरतों घटाती इन्ना रेट वधे आप इन्नी वरतों घटाती मतलब इक्वैलिटी बन गई ठीक है जो इन्दे नाल लिखा है ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੇ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 150 ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਮੀ ਕਹੀ ਤਾਂ 100 ਚ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 1/3 ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ 100/3 33 9 10 33 9 ਜੇਕਰ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ 33.1/3 ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ 0 33 9 ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋ 33 ਤਾਂ 33 ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ 33 ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਸੀਗਾ 66 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 0.66
ਤੇ 66.66 ਆ 66 ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਆ 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 0.66 66.66 ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਗਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ